मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राहुल गांधी को हाई कोर्ट से राहत बरकरार है। वहीं निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाई गई है। मामले में राहुल गांधी की ओर से कैविशिंग याचिका दाखिल की गई थी। मामले में याचिकाकर्ता प्रदीप मोदी को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। अब मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी। कोर्ट से राहत मिली है, क्या है सर मैटर? मैटर डिफेमेशन का था, जहाँ पे एक डिफेमेशन का केस प्रदीप मोदी ने फाइल किया, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग हाईकोर्ट आए थे। उसके समनिंग ऑर्डर चैलेंज किए तो वो डिसमिस हुआ था। तो उसके बाद जब समनिंग ऑर्डर को डिसमिस हो गया, उसके बाद हमने 205 फॉर डिस्पेंसिंग पर्सनल अपीयरेंस फाइल किए थे। वो MLA MP कोर्ट ने डिसमिस किया था, उसको हम चैलेंज किए थे क्रिमिनल रिट में। आज उसमें वो नोटिस डिस्पेंस करते हुए प्रदीप मोदी जी को 2 हफ्ता का टाइम दिया गया। इन द मीन टाइम नो कोर्सिव स्टेप, त्वरित कार्रवाई को रोक दिया गया। 16 अगस्त को इस केस को फिर से रखा गया है सुनवाई के लिए। तो सर अभी अभी राहुल गांधी जी को जो समन में आना था वो और अभी आना नहीं पड़ेगा टिल 16th of August, और उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेंगे कि क्या फाइनल ऑर्डर होगी। यही है आज का कार्रवाई। अगली सुनवाई 16 अगस्त। प्रदीप मोदी को भी नोटिस, हाँ, आज अपेयर करके नोटिस कर लिए, डिस्पेंस कर लिए। उनका लॉयर अपेयर करेंगे और बोलेंगे कि 2 हफ्ता के अंदर एफिडेविट फाइल कर देंगे अगर जरूरत पड़े तो। इन द मीन टाइम नो कोर्सिव स्टेप्स ग्रांट किया गया है राहुल गांधी के फेवर में और मैटर को 16 अगस्त फिर से रखा गया। मतलब सीधा सीधा अगर आसान शब्दों में अपने दर्शकों को समझाना चाहें तो जो MPLA कोर्ट ने बोला था कि राहुल गांधी को पर्सनल अपीयरेंस करना, उसको रोक लगा दिया गया है। उसको उसमें नो कोर्सिव स्टेप्स, मतलब उनके अगेंस्ट में कोई त्वरित कार्रवाई अभी होगी नहीं। इन द मीन टाइम कंप्लेनेंट को 2 हफ्ता का टाइम दिया गया प्रदीप मोदी जी को इसका जवाब फाइल करने के लिए, और वो फाइल करेंगे और 16 अगस्त को केस को फिर से सुनवाई होगी। विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं। तो नीरज, मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, ये मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने 2019 में रांची के मर्दी मैदान में एक रैली को संबोधित करते हुए विवाद टिप्पणी की थी, और इसको लेकर प्रदीप मोदी ने लोअर कोर्ट में एक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसको लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और MPLA की कोर्ट ने राहुल गांधी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था, जिसको लेकर राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए उस जो फिजिकल अपीयरेंस था उससे राहत देने की मांग की गई थी, और इसी को लेकर आज सुनवाई हुई है। सुनवाई में फिलहाल हाईकोर्ट ने उनके फिजिकल अपीयरेंस पे रोक लगा दी है और इसका जो अगला डेट है वो 16 अगस्त तय किया गया है, और जो मामले में जो याचिका करता है प्रदीप कुमार मोदी, उनको जवाब दाखिल करने का 2 सप्ताह का समय दिया है। तो कह सकते हैं कि अभी फिलहाल जो है राहुल गांधी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने उन्हें सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था, और ऐसे में उनकी ओर से हाईकोर्ट में ये मामला जो है क्वेश्चनिंग याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट से अपील की गई थी कि इसमें उन्हें सशरीर हाजिरी से रोक दिया है। तो कह सकते हैं अभी राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर है और हाईकोर्ट से फिलहाल उनके सशरीर हाजिरी पर रोक लगा दी है। जी जी नीरज, उक्त जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।